किया है इन्होंने, इन्होंने जिस ढंग से व्याख्या की अपनी महिलाओं के बारे में, वो शर्मनाक है। उनका दिमाग का लगता है कि कुछ गड़बड़ा गया है। और एक घटना और घटी थी, अशोक चौधरी जी के पिताजी की श्रद्धांजलि में गए थे, वहां उनके पिताजी को श्रद्धांजलि नहीं देगा, अशोक चौधरी को फूल बता रहे थे। इससे आप साबित होता है कि इनका दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ है। और इन्होंने बिहार के साथ धोखा किया, देश के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया। जिस ढंग से महिलाओं के बारे में इन्होंने चित्रण किया, ये काफी निंदनीय है और इसका घोर विरोध करते हैं हम लोग। क्या लगता है सर, मुख्यमंत्री पद पे बने रहना चाहिए सूबे के मुखिया होके इस तरह का बयान देना? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के रहने लायक नहीं है वो, मुख्यमंत्री पद से स्वयं त्याग देना चाहिए, नहीं तो जनता उन्हें उतार देगी। सर, जीतन राम मांझी को लेकर के उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, दलित नेता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नीतीश कुमार जी की बराबर मानसिकता रही है, दलित महादलित और महिलाओं को जिस तरीके से नीचा दिखाने का काम किया है इन्होंने, उसका खुला उदाहरण है कि जिस ढंग से मांझी जी को उन्होंने विजित किया, जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया, वो एक सम्मानित पद पर रहने वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देता है, उनको पद छोड़ देना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में सर आप कटिहार से लगातार MLC के पद पर बने हुए हैं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में क्या परिस्थिति रहेगी कटिहार की? कटिहार में और पूरे बिहार में 40 से 60 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, और अलायंस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस रहेगा उसमें जो भी कैंडिडेट रहेंगे सब जीतेंगे। लगातार सर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, कटिहार से अगर MLC अशोक अग्रवाल को टिकट मिलता है तो भाजपा यहां से अपना सीट निकाल सकती है, क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है जो प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय स्तर के, वो जिसके बारे में सोचेंगे वो लड़ेगा यहाँ से और निश्चित रूप से सीट निकलेगी। अच्छा, ये जो बिल अभी पास हुआ है सर 75% आरक्षण, जो नौकरी देने का, जो गांधी मैदान से इतिहास में इतना बड़ा नौकरी, कहते हैं कि इतना बड़ा नौकरी हमारी पार्टी की है, भाजपा सिर्फ जो है खाली वादा करती है हिंदू मुस्लिम करने पे राजनीति करती है। पार्टी जब साथ में थी, नीतीश जी के साथ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें 3.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। और जो जो अभी बोल रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां एक साथ दी है, ये तो रिपीट किए हैं, लोगों को ठगने का काम किए हैं, छलावा है। कैसे छलावा है सर? बहुत से लोगों के साथ छलावा है, ये आस्ते आस्ते सामने आ जाएगा सर। बिहार में बाहर के लोग नौकरी लेके जा रहे हैं, इससे क्या कहिएगा सर? ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना है इसके लिए, किस तरीके का रोस्टर बनाया, किस तरीके से लोगों की नियुक्तियां हुई है, ये तो पूरा आगे विषय है, इस पर हम लोग जवाब देंगे। क्या लगता है सर, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होना है, क्या कहिएगा इस पे सर? निश्चित रूप से 500 साल का तपस्या थी और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके आधार पर मंदिर बन रहा है। हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत शुभारंभ करेंगे उसका, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी उसे मौजूद रहेंगे, और देश के लिए काफी गौरव की बात। क्या लगता है 2024 में PM नरेंद्र मोदी जी बनेंगे फिर से दोबारा? निश्चित रूप से बनेंगे, और बहुमत से, बहुत अपार बहुमत से बनेंगे। ये लालू यादव जी कहते हैं इसका रथ हम रोक देंगे, जिस तरह से आडवाणी का रथ रुके थे मोदी का भी रथ रोक देंगे, क्या कहिए? लालू जी का खुद रथ रुका हुआ है, बिहार में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा उसमें सब माथा पीटेंगे।